अच्छा कैसे कर रहे ऐसे खड़े ऐसे ही हाय रणबीर रणबीर एंड वानी वेरी गुड मॉर्निंग फिल्म आज आपकी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है आज आपकी वेल एक्चुअली ये थोड़ा वियर्ड फीलिंग है कि हम आज रिलीज हुई और आज हम यहाँ आए हैं रिएक्शन देखने बट बहुत एक्साइटेड है बहुत नर्वस है एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है ऑडियंस के लिए सो आई जस्ट होप कि ऑडियंस फिल्म को चांस दे एंड लेट देम डिसाइड क्योंकि ऑडियंस किंग है वो राजा है वट एवर द ऑडियंस डिसाइड्स ऑन द फिल्म वील होल हार्टेडली एक्सेप्ट दैट Same, yeah, whatever Ranveer said. I think hum sab, every actor, every director, filmmaker, we all as a unit are feeling that excitement. We are hoping to get that love. We are hoping ki audience entertain ho aur pyar de sake film ko aur hum logo ko. वेल आई होप पसंद करेंगे बट ये एक्चुअली जो आप जिस बारे में बात कर रहे हो ये वो 80s 90s वाली डकॉइड फिल्म नहीं है ये बहुत नई फिल्म है इसी कोई रेफरेंस मैं नहीं दे सकता कि ये फिल्म ऐसे है या वैसे है जब आप देखोगे आप खुद डिसाइड करोगे मतलब मेरे बोलने से इतना कुछ मतलब बनता नहीं है बट बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है मैं ये कह सकता हूँ पीरियड फिल्म है क्योंकि उस जमाने में जो ट्राइबल एक्ट क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट हुआ था उससे लेकर एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाई है बट बहुत एंटरटेनिंग तरीके से बनाई है बट आई होप कि ऑडियंस को एक्सेप्ट करें ओ ये ला वाचिंग कैमरा घुमाओ अरे यार उनसे बात करो यार हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया उनसे बात करो सो आई एम फीलिंग फैंटास्टिक I think the question and the answer has come at the right time. What do I say? I feel blessed. Believe me, I'm feeling emotional because I'm very blessed that someone has asked me this question and the audience is standing there and given a reaction for the film. So इससे better मैं अब मेरे लिए बोलने के लिए नहीं बचा कुछ. अरे हम क्यों छोड़ के आ गया? भाग अंदर. ज़्यादा हो गया अभी. वापस जाओ अंदर. वेल एक्सपेक्टेशन यही है ऑडियंस को पसंद आए उनको हमने एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है उनकी एंटरटेनिंग एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है एंड वील सी यू नो अभी ये वीकेंड कैसा जाता है हाउ द ऑडियंस टेक्स इट अभी तो बहुत जल्दी है मैम आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमें और पता लगेगा कि कैसे ओपनिंग लगी है ऑडियंस को कैसे पसंद आ रही है बट राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू टेल मैम नर्वसनेस एक्साइटमेंट मेरे लिए दोनों हैंड इन हैंड जाती हैं पर अभी जैसे एक इन्होंने रिएक्शन दिया जो आए बीच में से पिक्चर छोड़ के आई एम फीलिंग सो नाइस दैट पीपल आर एंजॉयिंग इट एंड यू नो फॉर अस आई थिंक दैट्स ऑल वी आर लुकिंग फॉर यू नो एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बट या नर्वसनेस ऑलवेज स्टेज आई थिंक इट्स टू अर्ली अ स्टेज फॉर मी फॉर एनी वन ऑफ अस टू फिगर आउट हाउ पीपल आर गोना परसीव इट बट सो फार या इट्स एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस बोथ वो एक्चुअली सो रही थी अभी मैं जल्दी उठ के आ गया हूँ बट एक्चुअली आलिया ने कल फिल्म देखी उसने बहुत प्यार दिया हम सबको शी रियली लव्ड द फिल्म एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग टेक मार्क इन माय लाइफ एक अच्छा है कि नो घर पे बीवी खुश है तो मैं खुश हूँ मैंने डार्लिंग फिल्म भी देखी है बहुत कमाल की फिल्म है जैसे आप सब एक्सपेक्ट करते हो आलिया भट्ट की फिल्में कैसे होती है उसी लेवल पे है उसी मकाम पे है तो प्लीज जब रिलीज होगी आप सब मौका देना थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरा आजा